हे गाइस, मैं हूं पंकज। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये वीडियो पार्ट हम झारखंड जीके की हिस्ट्री कर रहे हैं। इससे पहले 16 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, दो पार्ट। जो 15 पार्ट था और जो 16 पार्ट था, उसमें 15 पार्ट में हमने प्री हिस्ट्री की थी और 16 पार्ट में एंशियंट हिस्ट्री की थी झारखंड की, जो कि कंप्लीट फैक्चुअल डाटा और जो मेंस का डाटा था उसमें इंक्लूड किया गया था। झारखंड जीके का ये रहने वाला है पार्ट नंबर 17। इसमें हम कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, UPPSC MPPSC के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जो गिवन नंबर पर कर्सर पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाते, तो वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारी हम फ्री PDF शेयर करते रहते हैं और हर एग्ज़ाम की जो टेस्ट सीरीज है वो भी शेयर करते रहते हैं। आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है और सर्च बॉक्स में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप करना है। तो झारखंड की मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें इंडिया की मेडिवल हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, ठीक है। इंडिया में क्या क्या था और मेडिवल टाइम में क्या हो रहा था, क्योंकि इसी के सिक्वेंस में कंटेम्प्रेरी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, वैसे ही रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो हम कह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं, यानी कि रशिया में कुछ चल रहा होगा, इंडिया में कुछ चल रहा है। जैसे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चल रहा है, उसके बेसिस पर रशिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो हम कहेंगे ये प्रोटेस्ट किसके कंटेम्प्रेरी हैं, इंडिया में जो अभी यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है उसके कंटेम्प्रेरी हैं। तो वैसे ही जो मेडिवल इंडिया के क्रोनोलॉजी है उसके बेस में ही झारखंड में वो चीज़ कंटेम्प्रेरी चल रहा होगा, यानी कि मेडिवल इंडिया में जो बड़े रूलर होंगे वो झारखंड आके जो ट्राइबल रूलर्स हैं या शासक हैं या डायनेस्टी हैं उन पर अटैक करेंगे और उन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो जो मेडिवल हिस्ट्री है झारखंड की, उसमें कोई सिक्वेंस हम नहीं जानेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल डेट पर, कोई फैक्चुअल प्रिलिम्स का फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो जो इसलिए स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं मेडिवल इंडिया के बारे में, पहले बता देता हूँ। दिल्ली सल्तनत आई थी 1206 से 1526 AD। अब इसमें बहुत सारी दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी जो डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी आई, फिर खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, सैयद डायनेस्टी आई, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अभी यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के रेन में कौन आया, झारखंड में क्या चीज़ें हुई, यही चीज़ें हमें जाननी है, ठीक है। वैसे बहुत सारी चीज़ें जानने को हैं, बट प्रीलिम्स में हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बेसिस पर क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने को बहुत ज़्यादा है पर क्या पढ़ना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट या मैटर करता है। फिर उसके बाद मुगल रूल चालू हुआ 1526 से, ठीक है, 1857 के बीच में। पहले मुगल साय, फिर लेटर मुगल साय। ये तो थी मेडिवल इंडिया की क्रोनोलॉजी ऑर्डर। अब स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, अब यही जो रूलर होंगे झारखंड के एरिया में आएंगे, अटैक करेंगे। कुछ जो डायनेस्टी होंगी झारखंड की वो तो पूरी तरह उनका अटैक फेल करेंगी, कुछ में जो ये मेडिवल इंडिया के शासक हैं वो सक्सेस होंगे, ठीक है। तो फैक्चुअल डिटेल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि इसके बाद ये आएगा, हालांकि जो फैक्चुअल है, जो फैक्ट बेस्ड हम अभी झारखंड की हिस्ट्री जो मेडिवल है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द वर्ड झारखंड वॉज यूज फॉर ट्राइबल रीजन ऑफ छोटा नागपुर, जो ऑलरेडी हम देख चुके थे, जो झारखंड का है, छोटा नागपुर का रीजन है। और ये इसका जो फर्स्ट रेफरेंस था, अभी प्री हिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो 13 सेंचुरी में एक कॉपर प्लेट में इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है छोटा नागपुर का, ठीक है। इंस्क्रिप्शन वही हार्ड सरफेस में जो लिखी हुई चीज़ें हैं, यहाँ पर छोटा नागपुर का मेंशन हमें देखने को मिलता है मेडिवल जो झारखंड की हिस्ट्री है। ओके, आगे। इन दिस बिगनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड देयर वॉज मैनी स्मॉल हिंदू और प्रोटो हिंदू स्टेट्स। अब देखिए झारखंड में अगर हम देखें तो बहुत सारे हिंदू स्टेट थे छोटे छोटे एरिया में, प्रोटो हिंदू भी थे, यानी कि जो पहले से ही जो प्रिमिटिव हिंदू भी वहाँ देखने को मिले। एक तो वो हिंदू होते हैं जो कहीं दूसरी जगह से आए रहते हैं, या तो साउथ से आए होंगे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से आए होंगे, और प्रोटो हिंदू भी वहाँ देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी ऑलरेडी डायनेस्टी हम देख चुके थे जो एनिशियंट झारखंड की, नागा डायनेस्टी थी, कोकरा डायनेस्टी, नागा डायनेस्टी, रक्सेल डायनेस्टी, ठीक है, सिंह डायनेस्टी सिंहभूम की, मन डायनेस्टी मनभूम की, ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है।
आगे इन द मिडिल पीरियड न्यूमरस ट्राइबल स्टेट इमर्ज इन छोटा नागपुर। अब धीरे धीरे जो ट्राइबल स्टेट से थे, हमारी जो डायनेस्टीज़ हुआ करती थी, वो और ज़्यादा उभर के आने लगी थी हमारी झारखंड छोटा नागपुर वाले रीजन में, ठीक है। जिनमें से एक ट्राइब का नाम आपको याद रखना है, चेरो ट्राइब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि चेरो जो रिप्लेस कर लेते हैं रक्सेल को और पलामू में अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, ये ऑलरेडी प्रीवियस जो वीडियो में हमने देखा था। अब प्रीलिम्स में यही आएगा, इसमें से पलामू रीजन के संदर्भ में चार पॉइंट दिए होंगे, उसमें लिखा होगा जो रक्सेल थे उन्होंने चेरो को हटाया या चेरो ने रक्सेल को रिप्लेस किया। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि चेरो ट्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हो गई है, ठीक है, क्योंकि उसने रक्सेल जो समुदाय था, रक्सेल जो डायनेस्टी थी जो पलामू में स्थित थी, उसको रिप्लेस करके खुद शासन अपना इस्टेब्लिश किया था। किसने? चेरू ने। एक मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे रैंडम फैक्ट है, ओके, कोई सिक्वेंस में अपने माइंड में मत रखना क्योंकि वन लाइनर टाइप हम बता रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा ही बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बहुत लोगों को समझ में इसलिए भी आता है क्योंकि वो सिक्वेंस में चल रहे होते हैं, ठीक है। तो सिक्वेंस अगर जेपीएससी की अगर हम देखते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो सिक्वेंस तो आपको याद होना ही चाहिए, उसके साथ साथ डिमांड क्या करता है, हमें तो प्रीलिम्स में मार्क्स स्कोर करने हैं ना। डिमांड ये करता है कि आपको फैक्चुअल डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, जैसे चेरो ने रक्सेल को हटाया। अब कैसे हटाया ये आपको नहीं जानना कि हाँ पहले ये लोग इस रीजन पे गए, यहाँ उन्होंने ये अटैक किया, ये नहीं जानना बिल्कुल। चेरो ने रिप्लेस किया रक्सेल को, बस इतना ही जानना है, जैसे कि हर एक स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, ठीक है। दूसरे जो ट्राइबल स्टेट्स हैं जैसे खरवार है, ओराव है, भर हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट झारखंड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं जैसे सूरापुरा है, पलामू है, सोनपुरा है, कुंड हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा इन नामों को बस खाली ये पूछे नहीं जाएंगे, इन नामों को बस माइंड में याद रखना कि हाँ ये रीज़न भी थे, चेरो ट्राइब थी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है ये इम्पोर्टेंट, इसमें स्टार लगा लेना, 13th century वॉज सिग्निफिकेंट फॉर छोटा नागपुर। अब 13वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ, बिकॉज 1206 AD में, अभी मैंने बोला ना, देखिए 1206 AD देखिए क्या है, 1206 AD जो नाम देख के भी आपको ये चीज़ याद आया होगा, क्योंकि 1206 AD से देखो दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई थी, ये देखो 1206 AD, मैंने कहा कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होगी और इसी के कंटेम्प्रेरी हमारे झारखंड में भी अटैक हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 13वीं शताब्दी में क्या हुआ और मेडिवल इंडिया से आप इसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है, आप कैसे जोड़ेंगे मेडिवल इंडिया को मेडिवल हिस्ट्री ऑफ झारखंड से, ठीक है। 13वीं शताब्दी में होता क्या है, 1206 AD में बख्तियार खिलजी हैड पास्ड थ्रो झारखंड टू अटैक नादिया इन बंगाल, ठीक है, बंगाल में नादिया है तो झारखंड से पास होके ये अटैक करता है, कौन? बख्तियार खिलजी। अब इसे 13वीं शताब्दी क्यों कहते हैं, अभी देखिए 2019 चल रहा है, तो अभी हम कहते हैं ना हम 21st century में जी रहे हैं, तो किसी को कन्फ्यूज़न है तो एक चीज़ और बता देता हूँ, कोई भी सेंचुरी होती है उससे पहले वाला कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर 1800 है, 1810 है, तो हम कहेंगे बिगनिंग ऑफ 19th century, तो एक बढ़ा के कहेंगे 18 को बोल देना 19, ठीक है। तो अब ये 1206 है, 1200 क्या है, ये 6 है, तो इसको 12 को क्या बोलेंगे, 13th century, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़ होता है, बहुत सारे लोगों को पता भी है, तो फिर भी जान लीजिए दोबारा, ठीक है। अब क्या हुआ, 1206 में ये अटैक किया गया। अब यहाँ पर इल्तुतमिश और बलवान आते हैं, ठीक है। देयर वॉज नॉट मच इम्पैक्ट ऑन झारखंड बिकॉज एट द टाइम किंग हरिकर्म ऑफ नागा डायनेस्टी वॉज पावरफुल एंड इफेक्टिव रूलर। अब प्रीलिम्स में कैसे पूछा जाएगा, देखिए हालांकि मैंने ये फैक्चुअल बताया आपको कि इल्तुतमिश और बलवान ने भी झारखंड में अटैक करने की कोशिश की, हालांकि वो अनसक्सेसफुल रहे। अब ऐसा क्यों रहे, क्योंकि आपको यहाँ पर ये जानना होगा कि जो नागा डायनेस्टी थी, नागा डायनेस्टी थी, वहाँ पर एक राजा थे हरिकर्म, ठीक है, कौन से हरिकर्म जो हैं, एक राजा थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया, बहुत ज़्यादा जो इफेक्टिव अपोजिशन जिसे कहते हैं वो इल्तुतमिश और बलवान के अगेंस्ट किया, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जो नागवंश था, ओके, उन्होंने पूरा अटैक किया, ओके। आगे मलिक बया द जनरल ऑफ मोहम्मद बिन तुगनक रीच्ड अप टू चाय रीजन ऑफ हजारीबागा, तो इसमें डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो जनरल थे उनका नाम क्या था जो कि हजारीबाग तक पहुँचे थे, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन तुगलक
इनका जनरल का क्या नाम था जो कि हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग हिस्से तक पहुंचे थे, उनका नाम है मलिक बया। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स आपके यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू संथल दिस अटैक टुक प्लेस इन 1340, जो इल्तुतमिश और ये आ रहे होते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ इब्राहिम अली ही एस्टेब्लिश्ड हिज कंट्रोल ओवर द फोर्ट ऑफ बीघा, एज ए रिजल्ट संथल बिलोंगिंग टू दिस प्लेस फ्लड अमंग विद द देयर ट्रूप। अब ये क्या है, संथल रीजन पर अटैक होता है 1340 में दिल्ली सल्तनत द्वारा, और कुछ जो संथल होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, तो 1340 में आप ये याद रख लेना, 1340 में अटैक होता है संथल एरिया में, बस। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के, ये अटैक करते हैं हजारीबाग में, क्योंकि आप सबको पता है इनके जो जनरल थे मलिक बया, मोहम्मद बिन तुगलक के जनरल थे मलिक बया ने हजारीबाग तक पहुंचे थे, और वहीं आगे बढ़ते बढ़ते फिरोज शाह जो तुगलक हैं वो भी हजारीबाग में अटैक करते हैं, एंड एस्टेब्लिश हिज कंट्रोल ओवर ए लार्ज रीजन नियर सदगांव, ही एस्टेब्लिश हिज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कनकर्ड एरियाज विद सदगांव एज इट्स कैपिटल। हमने कहा पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो अपने जनरल को भेज देते हैं कहाँ पर, हजारीबाग तक। अब उसके बाद फिरोज शाह तुगलक तो पूरी हजारीबाग में अटैक करते हैं और अपनी कैपिटल सदगांव को बना लेते हैं। ठीक है, इसमें याद रखना कि किसने सक्सेसफुल अटैम्प्ट भी किया, और उसमें से तुगलक डायनेस्टी में से कौन सा ऐसे रूलर हैं जिन्होंने सदगांव को अपनी कैपिटल राजधानी बनाई उस हजारीबाग पर अटैक करके। तो ये छोटी छोटी डिटेल आपको याद रखनी है। ठीक है, सदगांव द तुगलक एंड लोधीज, लोधी डायनेस्टी के और तुगलक डायनेस्टी के कुड नॉट प्रोसीड बियॉन्ड सदगांव। अब सदगांव से आगे नहीं जा पाए बिकॉज दे हैड टू फेस द पावरफुल रूलर ऑफ नाग डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी के अभी हमने देखा हरिकरम जो राजा थे उन्होंने सक्सेसफुली जो है पूरी अपोज किया था। तो आपको ये याद रखना है, देखिए क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे पूछा जाएगा ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने अभी बोला मेडिवल जो हिस्ट्री थी उसके बेसिस में हमने कहा जो दिल्ली सल्तनत है उसके कंटेम्प्रेरी आपको देखना है, उससे लिंक करके जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, पूछा क्या जाएगा कि इन जो किस एक हिस्से के बाद जो दिल्ली सल्तनत थी, जैसे आप तुगलक डायनेस्टी या लोधी डायनेस्टी थी, वो झारखंड में के या छोटा नागपुर रीजन के आगे नहीं बढ़ पाई थी, उसका नाम है सदगांव। ठीक है, क्योंकि सदगांव तक तो फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर कब्जा कर ही लिया था, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी भी आके सदगांव के पार नहीं जा पाई क्योंकि नाग वंश के रूलर वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे। अब बात करते हैं 1530 ईस्वी की। 1530 में क्या होता है, खवस खान द जनरल ऑफ शेर शाह सूरी डिफिटेड द चेरो किंग। अब हमने सदगांव तक देख लिया कि उसके बाद नहीं आ पाए थे, चाहे वो तुगलक डायनेस्टी थी चाहे हमारी लोधी डायनेस्टी। 1530 AD में खवस खान जो हैं जनरल शेर शाह सूरी के, वो चेरो किंग, चेरो एक ट्राइब थी इंपॉर्टेंट जिसने रक्सेल को रिप्लेस किया था। ठीक है, याद है ना, अभी पढ़ा था हमने मराठा चेरो, और उन्होंने वाइट एलिफेंट भी उनको मिला था श्याम सुंदर नाम का, अमंग द अदर थिंग प्लडेड बाई हिम। बस एक चीज़ ये याद रखना कि 1530 में चेरो किंग पर हमला कौन करते हैं, शेर शाह सूरी के जनरल खवस खान। ठीक है, 1530 में क्या उनको गिफ्ट में मिला, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। ठीक है, ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल अगेंस्ट हुमायूं शेर शाह यूज्ड दिस रीजन इन द न्यूमरस कैंपेन वाइल एस्टेब्लिशिंग हिज कंट्रोल ओवर बंगाल, शेर शाह यूज्ड द रूट थ्रू तालीगढ़ी इन राजमहल हिल्स। अब देखिए, जब शेर शाह सूरी और मुगल एम्परर का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, तो शेर शाह सूरी, शेर शाह याद रखना कौन सा रूट ले जाते हैं अपने, जैसे होता ना अटैक करने के लिए कौन सा रूट उन्होंने अपनाया, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, मुगल एम्परर और शेर शाह ने जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो शेर शाह ने राजमहल हिल्स का जो रास्ता अपनाया था अटैक करने के लिए। ठीक है, ये याद रखना, शेर शाह ने कौन सा, राजमहल हिल्स का। तो आपको याद रखना पड़ेगा मेडिवल इंडिया में क्या सीक्वेंस है और उसको कैसे लिंक करना है झारखंड की हिस्ट्री से। ठीक है, आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द मुगल अफगल रेबल लाइक द हाजी ब्रदर्स जुनैद और बायजद एक्स्ट्रा फॉर दिस रीजन झारखंड अट्रैक्टेड टू अटेंशन मुगल एम्परर अकबर एंड जहांगीर। देखिए, बहुत सारे रेबल्स भी होते थे जैसे शेर शाह और
मुगल एम्पायर का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो शेर शाह ने राजमहल हिल्स का जो रूट अपनाया था कि यहाँ से अटैक्ट करेंगे, तो इसलिए भी मुगल एम्परर जो छोटा नागपुर वाला रीजन है और ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगा मुगल एम्परर को, और वो उस रूट को भी कब्जाने करने की कोशिश करने लगे थे। ठीक है, अब बिहार और बंगाल कब्जा कर लेते हैं 1585 में। अकबर ने शाहबाज खान को भेजा अपनी तरफ से ताकि आप नागा डायनेस्टी बोलते हैं ना, नागा डायनेस्टी ने सभी को रोक रखा था। अब 1585 में जब इनको लगा, मुगल एम्परर को लगा कि बिहार और बंगाल तो हमने कब्जा कर ही लिया है, कंकस्ट कर ही रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है ये शाहबाज खान को भेज देते हैं कि हाँ आप जाओ और नाग डायनेस्टी के रूलर से लड़ो। ठीक है, मधुकर शाह वॉज डिफीटेड, ही एग्रीड टू बिकम ए मुगल वसल। अब यहाँ पर नागा डायनेस्टी के जो रूलर हैं वो हार जाते हैं और ये कहते हैं कि हम मुगल शासन के अधीन हो जाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द सिंगभूम रीजन केम इनटू कांटेक्ट विद मुगल। अब पूरा नागा डायनेस्टी को भी हरा चुके थे तो सिंगभूम वाला भी रीजन जो है मुगल एम्परर जो मुगल एम्पायर के दौरान कॉन्टैक्ट में आ चुका था। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल डिटेल हैं, आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। 1585 आप याद रख लेना, 1585 में नागा डायनेस्टी के रूलर भी यहाँ पर मुगल सेना से हार जाते हैं। ठीक है, राजा लक्ष्मी नारायण सिंह और नरपत सिंह और कामेश्वर सिंह एंड रंजीत सिंह ऑफ सिंह डायनेस्टी ऑफ फोर आर्ट वर कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें आएगा कि इनमें से एक, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से अकबर के कंटेम्प्रेरी कौन है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जितनी भी एक एक चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण है, नरपत सिंह है और कामेश्वर और रंजीत सिंह है, ये चारों अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी आपको पता है ऑलरेडी में समकालीन थे, हिंदी वालों के लिए समकालीन। ठीक है, समकालीन मतलब अभी जो चल रहा है दूसरी जगह वो कहाँ पर चल रहा होगा या दूसरी जगह पर वो उनका रीजन, मतलब टाइम सेम होगा पर दो अलग अलग जगह होंगे। ठीक है, तो ये समकालीन आपको याद रखना कौन किसी समकालीन था। ठीक है, अब अकबर की कैंपेन आती है, ड्यूरिंग अकबर कैंपेन अगेंस्ट अफगान्स राजा मानसिंह क्रॉस द थ्रो सिंगभूम इन 1591 से 1992, 1591 से 1592 तक अकबर की सेना जो होती है वो सिंगभूम को क्रॉस कर लेती है। ये भी पूछा जा सकता है एक मार्क्स के प्रीलिम्स में कि सिंगभूम की जो एरिया है झारखंड में उसको मुगल एम्पायर ने कब क्रॉस किया, 1591-92, ताकि अफगान से लड़ सकें। ठीक है, एट लास्ट सक्सेसर ऑफ कामेश्वर सिंह राजा रणजीत सिंह एक्सेप्टेड द मुगल सुजरेनिटी। ठीक है, मुगल साम्राज्य को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं था उस समय के जो कि मुगल साम्राज्य के अधीन हो, तो सभी लोगों को झुकना पड़ता था। ठीक है, ही ऑल्सो एक्सेप्टेड टू ज्वाइन द टीम ऑफ पर्सनल गार्ड ऑफ मान सिंह, और जो कामेश्वर सिंह थे उन्होंने भी ये कहा कि जो मान सिंह के पर्सनल गार्ड की तरह हम आपको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एक तरह से मुगल साम्राज्य के अंदर अब ये साम्राज्य जो छोटा नागपुर का साम्राज्य था उस हिस्से को वो मुगल राजा के मुगल एम्परर के अधीन हो गए थे। ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम हजारीबाग एंड धनबाद केम इन टू कॉन्टैक्ट ऑफ मुगल्स। उसी समय हजारीबाग का ज़िला और धनबाद का ज़िला भी मुगल के कॉन्टैक्ट में धीरे धीरे आने लगा था। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ये तो नहीं पूछा जाएगा कि ये आने लगा था वो आने लगा था, किसके पास किसके बाद तक नहीं जा पाए थे, ये चीज़ें आपको याद रखनी है और ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एन अकबरी टू प्लेसेज इन हजारीबाग चाय, ठीक है, और चंपा वर इंक्लूडेड इन द बिहारी सुबायज परगना। ठीक है, चाय और चंपा क्या है, इंक्लूडेड इन द बिहारी सुबायज परगना। ठीक है, अब याद रखना है प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन फ्रेम होगा, झारखंड पीएससी की अगर मैं बात करूं उसमें लिखेंगे द टर्म चाय और चंपा क्या है। पहला ऑप्शन पीने वाली चीज़ें हैं, दूसरा ऑप्शन जो कोई टैक्स है, तीसरा ऑप्शन कोई जगह का नाम है, ठीक है, चौथा ऑप्शन राजा के जो कोई डिपार्टमेंट, राजा का एग्रीकल्चर कृषि संबंधित डिपार्टमेंट है, चार ऑप्शन है। तो आपका क्या होना चाहिए, प्लेसेज हैं, चाय और चंपा जगह का नाम है। ठीक है, ये याद रखना, और किस जिले में आती है, हजारीबाग। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
अब आगे पढ़ लेते हैं। मानसिंह डिफीटेड मैनी स्मॉल किंग्स ऑफ छोटा नागपुर। छोटे छोटा जो राजा थे झारखंड के पूरे एरिया में फैले हुए थे। धीरे धीरे जो मानसिंह थे मुगल एम्पायर में जो अपनी सेवा देते थे उन्होंने धीरे धीरे हराना शुरू कर दिया। ही अटैक्ड ऑन पलामी टू डिफीट द चेरोज। चेरोज को उन्होंने हराया, ठीक है। सब्सिक्वेंटली चेरो किंग भगवत राय ने भी जो वो मुगल एम्पायर जो मुगल शासन था उसके अधीन हो चुके थे। बट द चेरो रिस्टेब्लिश दियर इंडिपेंडेंट रूल आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर इन 1605। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। चेरो ट्राइब जैसा हमने देखा कितनी ज़्यादा पावरफुल भी थी, और लाइक नाग वंश की तरह चेरो जो ट्राइब थी वो भी देखने को मिली। तो उन्होंने एक बार तो क्या कर लिया था कि मुगल जो अधीन हो चुके थे मुगल की जो सुपीरियरिटी वो एक्सेप्ट कर ली थी। बट उसके बाद अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में। उसके बाद चेरो जो हैं अपने को मुगल साम्राज्य से अलग कर लेते हैं और खुद अलग से ही क्या करते हैं रिस्टेब्लिश कर लेते हैं अपना शासन, ठीक है। उसके बाद मधु सिंह ऑफ झारखंड हेल्प मानसिंह इन उड़ीसा कैंपेन। मधु सिंह जो हैं मानसिंह को उड़ीसा की कैंपेन में हराने के लिए मदद करती हैं। 1592, ये डाट आपको याद रखनी है। 1592 मानसिंह मेड राजमहल द कैपिटल ऑफ बिहार एंड बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आप 5 या 6 स्टार 7-8 स्टार जितने भी लगाना चाहें वो कम है। 1592 में मानसिंह ने क्या किया, राजमहल को बिहार और बंगाल की कैपिटल बना दी, ठीक है। राजमहल को अकॉर्डिंग टू तुजुके जहांगीरी ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की, आप सबको पता है, इब्राहिम खान इन 1615 और 1616 अटैक्ड झारखंड एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर संख रिवर। एट द टाइम ऑफ संख रिवर वॉज फेमस फॉर डायमंड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटोबायोग्राफी है हमारी जहांगीर की। उन्होंने उस ऑटोबायोग्राफी में ये मेंशन किया है 1615 और 1616 में कि इब्राहिम खान जो हैं वो झारखंड में अटैक करते हैं और अपना कंट्रोल भी इस्टेब्लिश करते हैं संख रिवर में, और जो ये रिवर है ये उस समय डायमंड के लिए फेमस थी। तो यहाँ पर से आपके 3 प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं। ये देखिए कि संख रिवर किसके लिए फेमस थी, डायमंड के लिए, पहला क्वेश्चन, हीरे के लिए। दूसरा, इब्राहिम खान ने 1615 1616 के बीच झारखंड में अटैक किया था, जो छोटा नागपुर वाला रीजन है, हिस्सा है, उस पर अटैक किया था और संख नदी के किनारे अपना रीजन एस्टेब्लिश किया था। दूसरा, तीसरा कि ये दोनों चीज़ें कहाँ मेंशन है, इब्राहिम खान और जो संख नदी का डायमंड है वो कहाँ फेमस, मतलब कहाँ मेंशन है, कहाँ पर ये लिखा गया है, वो है तुजुके जहांगीरी में, ठीक है। जहांगीर में ये ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ पर से आपके बन जाते हैं, ठीक है। नाउ आगे, एट द टाइम ऑफ दिस अटैक द लोकल रूलर ऑफ राजा दुर्जनसल ही वॉज अरेस्टेड एंड जेल्ड इन द ग्वालियर फोर्ट। जो लोकल रूलर थे उनको जेल में डाल दिया गया। दुर्जनसल हैड गुड नॉलेज अबाउट डायमंड। अब जैसे ही हमने कहा कि कैप्चर किया तो उनको जेल में भी डाल दिया था, उनको हीरे का अच्छे नॉलेज भी थे, ये नॉलेज के लिए, आपकी नॉलेज के लिए भी सही है। 12 ईयर्स लेटर, 12 साल बाद क्या होता है, जिसको दुर्जनसल को जेल से छोड़ दिया जाता है। एंड जहांगीर रिटर्न हिज स्टेट इन लाइज ऑफ 6,000 एनुअल रेंट। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शाही। अब दुर्जनसल को जो ग्वालियर फोर्ट में जो जेल में इम्प्रिजमेंट किया था, जेल में डाला गया था, तो 12 साल बाद इनको छोड़ दिया जाता है। जहांगीर कहते हैं कि लो हम आपका राज्य वापस कर देते हैं, पर बशर्ते आपको 6,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे हर सालाना। और इनको अब एक प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है कि दुर्जनसल जो है उनको किसकी टाइटल दिया गया था, शाही का, ठीक है। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शाही। कौन सा, शाही का, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और कौन सी जो नदी है वो हीरे के लिए फेमस है, संख नदी, ठीक है। कौन सी नदी, संख नदी। आगे, दुर्जनसल कंस्ट्रक्टेड पैलेस इन नवरत्नगढ़ ऑफ डोईसा। ये अपना पैलेस भी बनाते हैं। दिस पैलेस रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। और ये जो पैलेस है इसमें मुगल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है। आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा मुगल आर्किटेक्चर की कौन कौन सी खास बातें हैं, ठीक है। आप अगर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए एक दो जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं मुगल आर्किटेक्चर, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ सपोज यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनाई है, हाँ ये मुगल आर्किटेक्चर की होगी, बनाई गई होगी, ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर के बेसिस पर।
आगे इंतुजुके जहांगीरी वही ऑटोबायोग्राफी जहांगीर की रिफर्ड टू यील्ड गोल्ड। तुजुके जहांगीरी छोटा नागपुर में सोने की पैदावार करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि छोटा नागपुर में गोल्ड बहुत ज़्यादा होता था, डायमंड तो था ही शंख नदी के लिए फेमस, और सोने की भी बात यहाँ पर की जाती थी, ठीक है। ड्यूरिंग जहांगीर रेन टू चेरोस किंग रोल्ड ओवर प्लामो। ड्यूरिंग जहांगीर रेन मुगल रेल वॉज इस्टेब्लिश इन कोकारा, ठीक है। जहांगीर के रेन के दौरान जब जहांगीर का शासन था, पलामू में दो चेरोगिंग रूल किया करते थे। दूसरा फैक्चुअल क्या है कि जहांगीर के दौरान जब मुगल रूल चल रहा था तो कोकरा में उनका इस्टेब्लिशमेंट था, ठीक है। कोकरा आपने पता ही है, खुकरा कोकरा ये सब छोटा नागपुर के नाम हैं, एंशियंट इंडिया में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द शाहजहाँ रेन द मुगल नागा रिलेशन वॉज पीसफुल एंड फ्रेंडली। शाहजहाँ के टाइम में जो नागा इतना ज़्यादा इफेक्टिव एम्पायर माना जाता था, मुगल और नागा के रिलेशन बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हुआ करते थे। दिस रिलेशन कॉन्टिन्यूड थ्रू द 17th सेंचुरी। रघुनाथ शाह ऑफ नागा डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड टेम्पल इन दोईसा, चूटिया, जगन्नाथपुर और बोर्डिया। अब नागा डायनेस्टी के जो रूलर हैं, जो राजा हैं, जिनका नाम है रघुनाथ शाह, उन्होंने टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट किया, कहाँ, डोईसा में, चूटिया में, जगन्नाथपुर और बोडिया में। अब एक चीज़ याद रखना कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन कैसे आएगा कि ड्यूरिंग 17th सेंचुरी जो मुगल और नागा डायनेस्टी या नाग वंश जो था उनके बीच में कैसी जो हुआ करता था, कैसा रिलेशन हुआ करता था, कैसे संबंध हुआ करते थे, क्या वो एंगर वाले थे, क्या फ्रेंडली थे, तो आंसर होना चाहिए आपका पीसफुल एंड फ्रेंडली रिलेशन थे। और किस राजा के दौरान, शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ। उसके बाद सहिस्ता खान फेड द कैंपेन अगेंस्ट द चेरो किंग प्रताप राय 1641 और 42, ये भी आपको याद रखना है। 1641 और 1642 सहिस्ता खान कैंपेन चलाते हैं अगेंस्ट चेरो किंग, उनको कनकर करने के लिए। चेरो किंग जो हैं प्रताप राय एक्सेप्ट करते हैं सुजरनिटी ऑफ मुगल, इन रिटर्न वॉज गिवन द मनसब रानी ऑफ 1000, ठीक है। और मुगल शासन का जो अधीन हो जाते हैं उसके रिटर्न में बहुत सारी चीज़ें उनको देनी पड़ती है, मतलब मुगल जो हैं वो देते हैं मनसब रानी ऑफ 1000, ठीक है। ओके, एक तरह से आप कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइड करने का मौका देते हैं जो मुगल शासक होते हैं। ड्यूरिंग शाहजहाँ रेन सहिस्ता खान अटैक्ड द चेरो किंग ऑफ पलामू, दिस टाइम द किंग ऑफ पलामू वॉज तेज राय। अब क्या होता है, शाहजहाँ के टाइम में सहिस्ता खान भी जो हैं अटैक करते हैं चेरो किंग, जो कि पलामू में जिनका शासन हुआ करता था उस टाइम में, जो चेरो किंग थे तेज राय, ठीक है, इससे पहले प्रताप राय थे, और जब शाहजहाँ ने अटैक करने की बात की गई उसमें कौन थे, तेज राय। तो यही आता है कि तेज राय पलामू जिले में, पलामू जगह में जब तेज राय शासक थे तो किस मुगल एम्परर के दौरान उन पर अटैक किया जाता है, जहांगीर, शाहजहाँ, अकबर, चार ऑप्शन देंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इन फैक्चुअल को याद करने के लिए आपको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है इसमें। तो तेज राय के समय किसने अटैक किया था, शाहजहाँ ने, ठीक है। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन ऑफ सिंह डायनेस्टी सिंहभूम वाले, मान डायनेस्टी मनभूम वाले विद द मुगल ड्यूरिंग द शाहजहाँ रेन, और शाहजहाँ रेन के दौरान ऐसी कोई मित्रता या कोई रिलेशन तो देखने को नहीं मिले, ठीक है। ड्यूरिंग औरंगजेब रेन, देखिए धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हमने कहाँ से जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ से आगे बढ़कर क्या किया, जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में हमने क्रोनोलॉजी तो पढ़ी पढ़ी, उसके साथ साथ हम देखिए कंटेम्प्रेरी उनके साथ साथ चल रहे हैं, जैसे धीरे धीरे हम आए तुगलक डायनेस्टी से लोधी डायनेस्टी में क्या हुआ, उस दौरान क्या हुआ, अब हमने मुगल में पहुँच गए हैं, ठीक है। तो औरंगजेब रेन के दौरान मुगल वर प्राइमरली इस कॉन्फ्लिक्ट विद चेरो रूलर ऑफ पलामू। ड्यूरिंग इनिशियल ईयर ऑफ औरंगजेब रेन मदनी राय वॉज द चेरो किंग। अब औरंगजेब किससे एसोसिएटेड हैं, याद रखना मदनी राय से। देखो अब मैं एक चीज़ आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। शाहजहाँ के रेन के दौरान आपको याद रखना है तेज राय, क्योंकि चेरो किंग पलामू है पहला। अब दूसरा हमने क्या कहा कि औरंगजेब के रेन के दौरान जो चेरो किंग हैं वो हैं मदनी राय, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
कौन से ऐसे रूलर थे, मुगल रूलर थे, जो कि चेरो किंग मेदिनी राय के रेन के टाइम में थे, ठीक है, या कंटेम्प्रेरी भी आप कह सकते हो, या अटैक किया कह सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पदशाहनामा एंड आलमगिरी नामा ऑन 17 दिसंबर 1660 देयर टुक प्लेस ए बैटल बिटवीन दाऊद खान ए जनरल ऑफ औरंगजेब एंड चेरो किंग साहिब राहिब ऑन द बैंक ऑफ औरंगजेब साहिब राय वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि दाऊद खान यहाँ पर चेरो किंग के साथ लड़ते हैं और यहाँ पर चेरो जो किंग है वो हार जाते हैं, ठीक है। और ये लड़ाई कब हुई थी ये याद रखना, 17 दिसंबर 1660 में किसकी लड़ाई थी, औरंगजेब और चेरो किंग के बीच में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, फॉर मोस्ट पीरियड ऑफ औरंगजेब रेन द रूलर ऑफ कोकरा वॉज रघुनाथ शाह ऑफ नागा डायनेस्टी। हरिनाथ वॉज द रिलीजियस मेंटोर ऑफ रघुनाथ शाह, कौन थे धार्मिक गुरु, कौन थे, हरिनाथ, हरिनाथ क्या, हरिनाथ, हरिनाथ किसके धार्मिक गुरु थे, रघुनाथ शाह के, जो कि नाग डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। ड्यूरिंग औरंगजेब पीरियड देयर वॉज नॉट मच इम्पैक्ट ऑफ मुगल रूल ओवर हजारीबाग सिंहभूम एंड मनमोहन डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन से जिले हैं जिन पर ज़्यादा असर नहीं हुआ या ज़्यादा रिलेशन देखने को नहीं मिला औरंगजेब के टाइम के दौरान, वो हैं तीन जिले, पहला है हजारीबाग, दूसरा है सिंहभूम, तीसरा है मनभूम जिला, ठीक है। धनबाद वॉज द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड दैट रिमेन इंटायरली अनअफेक्टेड फ्रॉम द मुस्लिम इन्वेजर्स। देखिए प्रीलिम्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये है, स्टार लगा लीजिए, अगर इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन की बात करूं तो वो 711 AD है कि नहीं, BD कहते हैं इनको 711, और एक और दूसरे स्कॉलर हैं वो कहते हैं 712 AD, पर मोस्टली बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं 711 AD में, जो मुस्लिम इन्वेजन होता है, जो अरब आए थे उन्होंने मुस्लिम इन्वेजन किया था। अब मुस्लिम इन्वेजन इनमें से झारखंड या छोटा नागपुर आप जगह कह सकते हो उसमें इसे, कि धनबाद ही एक ऐसा जिला था झारखंड का जो कि मुस्लिम इन्वेजन से अनअफेक्टेड था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इसको 10 स्टार भी दोगे तो बहुत कम है, ठीक है। इन द लेटर मुगल पीरियड ऑल बिग एंड स्मॉल स्टेट्स ऑफ झारखंड टुक एडवांटेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर टू बिकम इंडिपेंडेंट। अब जैसा हर एक रूल में होता है कि जो झारखंड के, जैसे आप सबको पता है दिल्ली सल्तनत आती है, दिल्ली सल्तनत का देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, ये देखिए जो स्टार्टिंग में हमने किया था, ये देखिए स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ये डायनेस्टी कोई भी एक डायनेस्टी वीक होती है तो उसका फ़ायदा दूसरी जो डायनेस्टी है वो उठा लेती है और वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाती है। बहुत सारी इनमें से ऐसी भी डायनेस्टी रही हैं कि मान के चलो एक खिलजी डायनेस्टी में जो आर्मी जनरल होंगे वो तुगलक के होंगे, और तुगलक बाद में जब खिलजी डायनेस्टी वीक पड़ जाएगी या उनके लास्ट रूलर को खुद उनके आर्मी जनरल ही मार देते हैं और अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर देते हैं, ऐसा बहुत सारे सिक्वेंस में हमने देखा। और बहुत सारे जो लेटर मुगल पीरियड में भी हमने देखा, बहुत सारे जो राजपूत से हैं और दूसरे छोटे छोटे जो किंगडम हैं, जब मुगल रूल बहुत ज़्यादा वीक हुआ तब झारखंड का, तब जो इंडिया के मेडिवल इंडिया की मैं बात करूँ, जो दूसरे इंडिपेंडेंट किंग थे उन्होंने अपना रूल स्थापित करने की बात की गई, ठीक है, उस जगह पर। वैसे ही यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि जब लेटर मुगल पीरियड में जब सभी बड़े और छोटे जो जगह थी या शासक जहाँ पर हुआ करते थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट घोषित की, जब मुगल रूलर जो हैं वीक पड़ने लगे थे, ठीक है। तो ये हमने पूरा कंप्लीट जो है मेडिवल हिस्ट्री कर ली है, एंशियंट हिस्ट्री, हम प्री हिस्ट्री देखिए अभी तक क्या क्या कर लिया हमने, प्री हिस्ट्री कर ली है, एंशियंट हिस्ट्री हम कर चुके हैं, मेडिवल हिस्ट्री ये पार्ट है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगली वीडियो पार्ट में हम क्या करेंगे, और अगली वीडियो पार्ट में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इसका सीक्वेंस ज़्यादा उतना ज़्यादा याद करने की बात नहीं करना, सीक्वेंस अगर याद करोगे तो वही करना जैसे जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है कि पहले 1592 में अटैक हुआ, फिर 1660 में क्या अटैक हुआ, और किस सदगांव के बियॉन्ड वो जा नहीं पाए क्योंकि नाग डायनेस्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, ठीक है। इस बेसिस पर मैंने पूरा डिस्कस किया है और आप इसी सीक्वेंस में जो है याद करने की कोशिश करना, ठीक है।
अगली जो वीडियो पार्ट में है हम मॉडर्न हिस्ट्री पूरी करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री क्या क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है उसके बेसिस पर 1857 से क्या होता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम पढ़ेंगे ट्राइबल रिपोर्ट, कौन कौन से जो विद्रोह होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद और आगे आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट क्रोनोलॉजी क्या है। ठीक है, इस वीडियो पार्ट में इतना ही करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।